गाइस आज मैं काफी गंभीर समस्या बात करने वाला हूं। गाइस ये मुद्दा काफी गंभीर है। गाइस सपोज कीजिए आप एक लड़की हो। नहीं अच्छा नहीं कर सकते। ओह आई एम सॉरी। चले गाइस इस बात को साइड में रखते हैं। भाई सपोज करो गाइस मैं लड़की हूं। तेरा क्या बोला तूने? ओह आई एम सॉरी गाइस थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि भाई साहब मैं लड़का हूं। गाइस लड़की के बारे में सोचो तो गाइस मैं बीच में ही अटक गया। तो भाई साहब सब इस बात को गाइस यहीं दबाते हैं। गाइस दूसरी बात करते हैं। गाइस सपोज कि भाई कोई लड़की है और भाई वो ऑफिस आ रही है लेट नाइट या गाइस बहुत सारी चीजें हैं मतलब अकेले जा रही है तो भाई मतलब हरदम को इसके साथ तो नहीं रह सकता। तो गाइस कुछ ना कुछ भाई तो एक सेफ्टी गैजेट चाहिए। तो गाइस आज इस वीडियो में भाई हम एक ऐसी स्टन गन बनाने वाले हैं जो गाइस 4,00,000 वोल्ट प्रोड्यूस करेगी और भाई उसका यूज कोई भी कर सकता है। आप उसे अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो। इसके अलावा इसमें और फंक्शन आपको मिलने वाले जो गाइस आपके इमरजेंसी में काफी साथ देंगे। और भाई साहब अगर आप क्राइम पेट्रोल क्राइम डीजल या जो भी गाइस आप नाटक देखते हो तो भैया ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे दिमाग में घुस चुका कि भाई साहब कुछ ना कुछ अभी हो जाएगा। तो भाई साहब 4,00,000 वोल्टेज करंट खाने के बाद जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो गाइस कैसे होगा सब गाइस आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। भाई बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। कोई भी गाइस इसका यूज कर सकता है। दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिएगा बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। चलो गाइस फ्लावर चलते हैं भैया और मिलते हैं गाइस अपने स्टूडियो में। समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें मेटेरियल कौन सा लेना है। देखो भाई साहब सिंपल सी बात है करंट आपके भी लग सकता है अगर आप कोई भी मेटल यूज करोगे। जैसे भाई सपोज करो भाई ये स्टील का पाइप ये गाइस हमको नहीं लेना। हम ले सकते हैं लेकिन भाई इसमें रिस्क है इसे रखते हैं साइड में। ये रहा भैया पीवीसी का पाइप ये गाइस बहुत हल्का है तो भाई मजा नहीं आएगा। तो भाई साहब हम कौन सा लेंगे ये क्या है? देखो भाई साहब भाई साहब हम लेने वाले हैं UPVC का पाइप उत्तर प्रदेश सो प्रेस कमिटेड। शट अप। वाह मजबूती। ओह काउंटर तो नहीं टूटा? नहीं गाइस नहीं टूटा भाई। एक्चुअल में गाइस ये काफी स्ट्रॉन्ग पाइप होता है। ये भाई चिप बहुत मिलता है 10-12 फीट मिल जाएगा मस्त। कितनी लंबी गाइस आप बना सकते हो स्टिक ये? चले भाई साहब फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम कितने लंबे बनेंगे? ज्यादा फालतू तो नहीं बनेंगे इतने बनेंगे आराम से अपने पास रख सको। पोर्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। तो गाइस ये मैंने अभी कट किया 18.5 सेंटीमीटर का यानी गाइस 18.5 सेंटीमीटर का। भाई सीएम की फुल फॉर्म होती है चोमू। चले गाइस फटाफट से कंपोनेंट्स लेकर आते हैं। हाँ तो गाइस सबसे पहले भाई मैं इसमें लगाने वाला हूँ एक मिक्स नहीं होगी LED लाइट जो गाइस काफी तेज लाइट होगी और भाई वो आपके काफी काम आएगी डेली लाइफ में। तो भाई साहब हमें तो भाई व्हाइट लगाने लगे सिंपल सी बात। तो भैया व्हाइट बहुत सारी क्वालिटी है 5mm व्हाइट और भाई ये है आई थिंक 3 या 4mm ठीक है। ये थोड़ा साइज छोटा हो गया ठीक है। भाई साहब इसकी ब्राइट इससे भी ज्यादा तेज है तो भाई ये काफी ब्राइट है और भाई अगर आपको बहुत ज्यादा ब्राइट चाहिए तो भाई आप इस वाली पे लगा सकते हो। भाई ये 1 वाट की है आई थिंक ये भी 1 वाट की अप्रोक्सी है। ये भाई हाफ वाट में है ये भाई काफी कम होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई ये वाली हाफ वाट है। तो भाई इन तीनों में से गाइस सबसे बेस्ट LED तो ये वाली है अगर ब्राइटनेस में देखा जाए तो ये 1 वाट की। गाइस के बाद भाई ये वाली है ये भाई बहुत तेज जलती है ये हाफ वाट में ठीक है। ये इन दोनों के बीच की LED है तो भाई हम इसे लेंगे। तो भैया मैंने गोल गोल चंदा मामा से कट कर लिए है। गाइस इसमें एक चीज और लगाएंगे देखते रहो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट भाई लगाना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या चीज है? वो है भाई साहब ये चार्जिंग मॉड्यूल और गाइस टाइप सी का है जैसे कि मैं देखो यहाँ पे इस तरीके से कितना मस्त लग रहा है ये चार्जिंग मॉड्यूल ठीक है। और भाई ये काफी छोटा माइक्रो चार्जिंग मॉड्यूल है फटाफट गाइस इसे लगाते हैं LED के पास वरना गाइस चार्जिंग सिस्टम काफी डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ तो गाइस देखते हो भाई बिल्कुल मस्त लग चुका है। भाई अगर मैं यहाँ पर LED बीच में लगाता और गाइस इसका यूज ना करता इस जगह का तो भाई प्रोजेक्ट काफी बड़ा काफी लंबा हो जाता। तो भाई अब ठीक है इसके नीचे LED की और गाइस आप आराम से चार्ज कर सकते हो। भाई बीच में यहाँ पर एक छोटा सा डॉट भी दिया है जिससे आपको चार्जिंग या फुल चार्जिंग का पता लग सके। चल भाई अब फटाफट इसकी बैटरी लेकर आते हैं। तो भाई साहब आपको पता मैं कौन सी बैटरी यूज करने वाला हूँ? तो भाई मैं 18650 लैपटॉप की पुरानी बैटरी यूज करने वाला हूँ। सबसे बेस्ट है 14600 भी आती है लेकिन गाइस वो काफी छोटी जाएगी। ये 2000 mAh की काफी अच्छा बैकअप देगी। तो भाई साहब कनेक्शन हेलो है देख सकते हो यहाँ पर भाई पॉजिटिव लगा दे सीधा मॉड्यूल में नेगेटिव लगा सीधा मॉड्यूल में एक लेग लगा सीधा नेगेटिव में ठीक है मॉड्यूल के या बैटरी के एक ही बात है। और भाई ये रहे इसके वायर अगर गाइस मैं मिला दूंगा तो गाइस LED चल जाएगी।
और देखिए बस तो भाई बहुत तेज ही ब्राइटनेस है। ठीक है, यहाँ पर गाइस हम लगाएंगे स्विच बिल्कुल इसके पास में। यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ ये पुश स्विच, ठीक रहेगा टॉर्च के हिसाब से। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे। ये है भाई साहब 12x12 एमएम का। तो भाई साहब इनने छक्के छुड़ा दिए, बड़ी मुश्किल से इसमें कटिंग होती है बॉस, तो लेकिन गाइस फाइनली हो जाती है। मतलब भाई साहब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये स्विच बाहर ना निकले। मतलब भाई ये देखिए ये बॉडी से जो है ना मैच हो जाए, अभी थोड़ा बाहर निकला हुआ ना, ये बाहर ना निकले, बिल्कुल बॉडी से मैच हो जाए, जो बिना बात गाइस ये बटन ना दब सके। देखो भाई साहब वाह तो क्या मस्त रोशनी है बॉस, खैर मजा आएगा फटाफट। तो भैया स्विच का इसमें सीधा भाई चिपका ही देता हूँ ना, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो बस ये मैंने स्विच अंदर लगाया, आपको ऐसा लग रहा है भाई बाहर लगाने, भाई ये अंदर ही है। और देखिए ऐसे गाइस ये काम नहीं करेगा, और भाई देखिए मैं ऐसे दबाता हूँ, देखिए बहुत स्पेस है, मतलब बहुत जगह आराम से गाइस आप अंगूठे से इसे चालू कर सकते हो। तो लीजिए गाइस याद को, तो भैया ये बिल्कुल मस्त कंप्लीट हो चुका है। तो भैया अब लगाते हैं भाई इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स। तो गाइस स्पेस है, जनरेटर, स्टेप अप पावर सप्लाई, बूस्टर, वोल्टेज बढ़ाने वाला, फलाना दिमाग, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जनरेटर बना सकते हो, 400,000 वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। भाई साहब समझ गए होगा इसमें किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब डिब्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें से गाइस ये निकलेगा, ये कलवा है, शायद आपको सही चीज दिखाई नहीं देगा। देखो भाई साहब ये भाई ये 400,000 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, मतलब एम्पियर नहीं होती, मार तो नहीं जान से, लेकिन बस करंट बहुत धासु मारता है, ये बात है, लेकिन जान से नहीं मारेगा, ये बात पक्का है। तो भाई साहब मैं इसे लगाने वाला हूँ इसके अंदर। गाइस एक बात और भाई, आप इसे थोड़ा लंबा बना सकते हो, जिससे गाइस इसी डंडे की तरह भी काम करे, ये भाई इतना बड़ा आराम से आ जाएगा। देखिए गाइस मेरे हाथ से भी ये छोटा है अगर देखा जाए तो ये आराम से गाइस पर्स में आ जाएगा सिर के ऊपर। तो चले गाइस फटाफट भैया इसे इसके अंदर फिट करते हैं। एक बात और गाइस, अब मैं एक इससे भी छोटा नहीं माइक्रो पुश स्विच लगाने वाला हूँ। देखो इससे कितना छोटा है, देखो भाई मतलब जितने गोल घेरा ना इसका इतना गाइस पूरा ही है, बल्कि इससे भी थोड़ा छोटा होगा ये, सेफ्टी पर्पज, जिससे गाइस आप जानते हो भाई बिना बात की ना चले। और भाई मैं इसे इसके अंदर लगाऊं, जिसे लगाया ना ऐसे लगाऊंगा। चुबाने के लिए, घुसेड़ने के लिए गाइस स्किल, बहुत मजा आया। वैसे गाइस इतनी दूरी पर आराम से पकड़ लेगा, लेकिन भाई ये कुछ चीज ना फाड़े, मैं हल्की सी कील को टेढ़ा कर लूंगा हल्का, जिससे गाइस थोड़ा सा जो है ना सेफ हो जाए मामला थोड़ा सा गाइस ऐसे ही आजकल। अरे भैया कील टेढ़ी नोड़ी गाइस, बहुत हार्ड कील, अब तुम लगा लो भाई, खुद ही टेढ़ी नोड़ी प्लास से तो भाई ये घुसेगी तो निकलेगी कैसे। देखो भाई मैंने भाई कुछ इस तरीके से ऐसे सिंक टाइप बना दिया है, जिससे गाइस ये डार्ट बैग ना फाड़े, और भाई जितनी मर्जी आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई साहब, हीट सिंक जरूर लगानी है, या फाइबर स्लीव आप लगा सकते हो, या किसी भी चीज का आप इसे पैक कर सकते हो। अगर खुले रहेंगे तो गाइस अंदर ही काम करेंगे, ये अंदर ही खेल हो जाएगा भाई साहब। हमें भाई इसकी जो चिंगारी है, जो स्पार्क गाइस वो बाहर लाना है, इन दोनों पर लाना है। गाइस अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया ना तो भाई यही पर काम हो जाएगा, यहाँ तक तो करंट पहुंचने का भी नहीं है। तो भाई मैं इसलिए इसे यहाँ लगा रहा हूँ, थोड़े अच्छे से लगाएंगे भाई, जिससे जो ना ये अच्छे से पकड़ बना कर। अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया तो गाइस यही काम हो जाएगा, इस बार के गाइस हमें लाना है इन पर बाहर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं ये कवर करना पड़ेगा जरूर। तो लीजिए गाइस ये भैया लगभग कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक गाइस हम स्टन गन कह सकते हैं, लेकिन ये गन का कुछ लुक है नहीं, ये गाइस स्टन स्टिक हो गई मतलब डंडा, एक तरह का करंट मारने वाला डंडा, काफी हाई वोल्टेज है पर करंट नहीं है, लेकिन हाँ हम आम भाषा में कहते हैं करंट लग गया। चलो भाई देखिए यहाँ पे स्विच गाइस काफी अंदर है, ठीक है भाई देखो, ठीक है ये गाइस नहीं लगेगा, ठीक है भाई ये स्विच भी अंदर है, तो भाई इससे आप टॉर्च इसकी जला सकते हो। एक बार गाइस मैं आपको इसे रिचार्ज करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं भैया, देखिए मस्त फैसला साइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको साफ दिख जाएगा डॉट सा, जब फुल रिचार्ज होगा तो गाइस यहाँ पर ब्लू कलर की एलईडी ब्राइट हो जाएगी। तो भैया रिचार्ज भी देख लिया, रिचार्ज अच्छे से हो रहा है, और गाइस ग्रिप काफी अच्छी है, अगर इससे पतला पाए आप लोग इसकी ग्रिप अच्छी नहीं आएगी। एक बात और गाइस ये दोनों जो स्विच है देखिए, ये मैंने यहाँ लगाया, और गाइस ये दूसरा वाला इसके अपोजिट लगाया, ठीक है जिससे गाइस घुमाकर हम इसका यूज कर सके। चले गाइस फटाफट भैया पहले इस पर अच्छा सा नवा सा कलर करते हैं, उसके बाद गाइस इसकी टेस्टिंग करेंगे।
यो देखो भाई साहब, यहाँ भाई देखो क्या मस्त ये बॉस लग रहा है। और भाई साहब इसे कितना भाई साहब घुमाओ, नहीं भाई ये नहीं चलेगा। देखो भाई साहब ये रहा, कहाँ का स्विच? देखो भाई स्विच गाइस काम नहीं कर रहा, क्योंकि भाई स्विच इसके अंदर ही है। ठीक है तो भाई ऐसे नहीं करेगा, देखो भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ एक बात और गाइस, पहले मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ, स्पार्क बाद देखो, पहले गाइस आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ। भाई साहब आवाज ऐसी धांसू का, इस करंट कैसा होगा? ठीक है तो गाइस पहले इसकी टॉर्च देखते हैं, उसके बाद इसका स्पार्क देखते हैं। तो भैया ऑन करते हैं लाइट बंद। देखो बॉस, देखो भाई यार भाई क्या मस्त है, देखिए अरे है काफी तेज है बॉस। और भाई रोशनी में तो गाइस काफी तेज जलती है, ये देख सकते हो। थोड़ी सी टेस्टिंग कराइए, आपको पता गाइस भाई टॉर्च है जल जाएगी, अच्छी रोशनी देती है। मैंने गाइस फीचर्स का, ये टॉर्च नहीं है, मैंने गाइस फीचर्स का ये है। इस स्विच से गाइस ऑन करते हैं, तो भाई आप देख सकते हो, तो मैं ऑन करता हूँ, देखियो बॉस। अरे भाई साहब, भाई साहब 400,000 वोल्ट है, जिंदगी का मजा आ जाएगा इस, मतलब तरोताजा हो जाएगा सरे एकदम गाइस, फूर्त जाएगी। मतलब जो बंदा भक्ता नहीं है, जो हकता नहीं है, सॉरी मतलब जो भक्ता नहीं गाइस वो भगना शुरू कर देगा। अब भाई मैं आपको इसे एक बार अंधेरे में चला के दिखाता हूँ। पहले गाइस मैं आपको थोड़ी सी लाइट में दिखाता हूँ। भाई आपको पता है जब कैमरा गाइस इसका पास ले हम टेस्टिंग के लिए, तो गाइस कैसे फ्रेम गड़बड़ हो रहे थे। तो गाइस प्लीज ये बताओ भाई हो क्या रहा है, फ्रेम क्यों ऐसे कर रहे हैं? चले गाइस फटाफट भी ऐसे थोड़ा सा अंधेरे में टेस्ट करते हैं। देखो भाई साहब, देखो गाइस अभी भी फ्रेम गड़बड़ कर रहे होंगे कैमरे के। और भाई ऐसे भी नहीं कि भाई ये बिल्कुल पास में बना रहा हूँ, काफी दूर से लग गाइस 3-4 फीट से ये वीडियो शूट हो रही है। वैसे गाइस ये बंदन बाद करंट बिल्कुल भी नहीं मारता, जैसे गाइस आप चलाओ आवाज काफी तेज है भाई, मतलब कि पटर पटर सीधे से लगा लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, एनर्जी स्टोर रहती नहीं, पावर दोगे चलेगी, छोड़ दो खत्म। अब गाइस इससे कुछ चलेगा नहीं, एक बार फिर भी चला के देख लेते हैं भाई। इससे 130 नंबर डीजी मोटर चला के देखते हैं, चलेगा तो नहीं क्योंकि गाइस बहुत मतलब ना के बराबर एम्पियर है, लेकिन कोशिश करते हैं। देखो भाई नहीं चलेगा, एक आवाज आ रही है बहुत चू चू की, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ आवाज। ओहो हो, देखो भाई कैसे स्पार्क उठ रहा है। एक बार गाइस ये चाकू में इसमें देख लेते हैं, देखो भाई स्पार्क ही हो गया भाई। गाइस ऐसा लग रहा था भाई जैसे पूरे में लाइट आ रही हो, मतलब यहाँ तक, मतलब जितना गाइस मैंने तो खोल रखा था, पूरे में गाइस स्पार्किंग हो रही थी और काफी अच्छा गाइस लग रहा था। अब गाइस इससे कुछ जला कर देखते हैं भाई। ये रहा अखबार का टुकड़ा, ठीक है मैंने कोई भी अखबार का टुकड़ा ले लिया है, और भाई देखते हैं। देखो भाई नहीं काम कर रहा भाई, स्पार्किंग बिल्कुल पार हो रही है, और गाइस हल्का फुल्का सा निशान। ओ भाई ये शायद आपको गाइस नहीं दिखाई देंगे इसमें। देखो भाई यहाँ पर देखिए किस तरह, जैसे कि भाई यहाँ पर सुई लगा दी किसी ने, मतलब सुई को जोड़ दियो, इस तरह का यहाँ पर निशान है पेपर पर। तो खैर गाइस ये इस चीज के लिए नहीं बनाता, फिर भी गाइस थोड़े से मन में सवाल थे, आई होप आपके होंगे। तो भाई आपने भी देखा गाइस ये कैसे कैसे काम करता है, आग लगाता है नहीं लगाता है, लेकिन भाई ये करंट बहुत तगड़ा मारता है। तो भाई आपको अगर समर एक बार करंट खा के देखा, नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं भाई साहब, मेरे होगा इस काम करना भाई अभी बहुत सारी मतलब गाइस अभी लाइफ काफी पड़ी है, अभी इसे निपटा दो मेरे को, अभी इसे समेट दो मेरे को। तो भाई ये सेफ्टी गैजेट है, सेफ्टी पर्पस है, इसे बैग में रख सकते हैं। चाहो तो गाइस इसका कोई आप कैप बना सकते हो, जिससे इसके ऊपर कैप लगा लो, हल्का फुल्का छोटा सा कैप बन जाएगा, वो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैप बना गाइस आप इसे अपने पॉकेट में, लेडीज पर्स में रख सकते हैं, ज्यादा बड़ा गाइस गैजेट ये है नहीं, देखा जाता है ना। बनाना गाइस बहुत आसान है और एक्सपेरिमेंट गाइस अच्छा है, 100% सक्सेसफुल है। तो आई होप गाइस आपकी जुगाड़ अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।